चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बनने वाले इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीफू वीडियोस आपका स्वागत करता है चैनल की एक और नई वीडियो में। मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप एक वीडियो बनाइए जिसमें बताया गया हो कि बैकग्राउंड नॉइस कैसे रिमूव करते हैं और साथ ही वॉइस को कैसे बदले इसके बारे में भी वीडियो बनाइए, मतलब आपकी अपनी वॉइस को किस तरीके से दूसरे की वॉइस में बनाएं इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो वीडियो इसी के बारे में है, आज मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करें साथ ही अपनी वॉइस को कैसे बदलें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, सबसे पहले हम लोग उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए क्रोम ब्राउजर ओपन करिए अपना और वहां पे टाइप करिए ऑडेसिटी और बगल में सॉफ्टोनिक। ये देखिए मैं सॉफ्टोनिक साइट से डाउनलोड करने वाला हूं। तो जैसे आप टाइप करेंगे सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, इस लिंक को ओपन कर लीजिए और यहां पे आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां से आप लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही है तो मैं इसे डाउनलोड करने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा इसे ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैं इसे ओपन कर लिया है, ऑडेसिटी ओपन हो गया है। अब मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पहले से मैंने फाइल को बना के रख लिया है तो मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यह है मेरी एग्जाम्पल के लिए फाइल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस वॉइस रिकॉर्ड होती है उसकी आवाज़ काफ़ी कम होती है, तो मैं उससे पहले बढ़ा लेता हूँ। उसे कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपनी पूरी वॉइस को सेलेक्ट करिए कंट्रोल ऑल करके, ये देखिए सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्लस ए से पूरी वॉइस सेलेक्ट हो गई। आप इफेक्ट में जाइए, यहाँ पे आपको इक्वलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आइए। ये देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी, ये जो पहले तो जीरो पे रहती है लेकिन आप इसे बिल्कुल बीच से उठाइए। मान लीजिए कहीं टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो इस तरीके से, तो इसे सीधी करने के लिए आपको यहाँ पे फ्लैटन का ऑप्शन दिख रहा है, इसे फ्लैटन कर लीजिए, आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। और बिल्कुल सीधी लाइन को उठाइए और 6 से 9 डेसिबल के बीच जाए, जितना आपको जरूरत हो। मैं 9 डेसिबल रखूँगा, 9 डेसिबल पे इसे अपनी वॉइस को बढ़ा देंगे। ये देखिए हमारी वॉइस बढ़ चुकी है, अब हमारी वॉइस पहले से तेज सुनाई पड़ेगी। मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ, पहले धीमे वॉइस में इसे वापस धीमे कर दिया, अब आप लोग सुनिएगा, ये धीमे वॉइस की है। दोस्तों अभी मैं वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में फैन भी चल रहा है, आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं। सुना, अब मैं इसे बढ़ा के सुनाता हूँ। कंट्रोल ऑल किया, इफेक्ट में गया, इक्वलाइजेशन पे आया और इसमें बढ़ा दिया, ये बढ़ चुकी है, अब सुनिएगा आप लोग। दोस्तों अभी मैं वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में फैन भी चल रहा है, सुना आपने, ये बढ़ी हुई वॉइस है। अब मैं आपको यहाँ पे जो फैन की आवाज रिकॉर्ड हुई है वो सुनाता हूँ। ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे मैं शांत था तो यहाँ पे मेरी बैकग्राउंड नॉइज भी रिकॉर्ड हुई है और यहाँ पे मेरी फैन की आवाज भी रिकॉर्ड हुई है। तो इस पोर्शन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करिए हेडफोन का यूज करिए। तो ये थी हमारी बैकग्राउंड नॉइज और फैन की नॉइज। तो अभी हमें इसे हटाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इतनी वॉइस को सिलेक्ट करना होगा, इफेक्ट में जाना होगा, यहाँ पे आपको नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा, गेट प्रोफाइल नॉइस को क्लिक कर देना होगा। ये आपकी इतनी नॉइस सेलेक्ट हो चुकी है, अब आपको कंट्रोल ऑल करके पूरी वॉइस को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपको पूरे वॉइस से ये बैकग्राउंड नॉइस हटानी है। फिर से इफेक्ट में जाना होगा, नॉइस रिडक्शन में जाना होगा और यहाँ पे आप अपनी वॉइस की सेंसिटिविटी को घटा बढ़ा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस को हमें हटाना है। तो मैं अपने हिसाब से 10 पर रखता हूँ, आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ घटा बढ़ा सकते हैं, वो आपकी अपने ऊपर है कि आपको कितना परफेक्ट लग रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से 10 रखता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। और ये देखिए मेरी सारी बैकग्राउंड नॉइस यहाँ से हट चुकी है, अब आप लोग एक बार फिर से सुनिएगा। दोस्तों अभी मैं वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में फैन भी चल रहा है, आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। तो सुना दोस्तों आपने, इस समय फैन की आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई है, केवल बैकग्राउंड नॉइस जो थी वो सारी हट चुकी है। तो है ना आसान, इस तरीके से आप लोग बैकग्राउंड नॉइस को हटा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से
वॉइस को बदलते हैं। तो वॉइस को बदलने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं इतनी वॉइस को अलग अलग भागों में बदल के सुनाऊंगा, इतनी वॉइस को अलग। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे और इफेक्ट में गया और यहाँ पे आपको चेंज पिच का ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए। तो अगर आप पिच को आगे की तरफ ले जाते हैं तो आपकी वॉइस पतली हो जाएगी, अगर आप पिच को 0 से पीछे की तरफ ले जाते हैं तो आपकी वॉइस भारी हो जाएगी। तो मैं आपको अपनी वॉइस पतली करके दिखाता हूँ। ये मैं पिच को आगे की तरफ ले गया 0 से, ओके कर दिया और ये देखिए मेरी वॉइस पतली हो गई। दोस्तों अभी मैं वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में फैन भी चल रहा है, आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं। मैं सुना आपने, अब मैं बाकी की वॉइस को भारी करके दिखाता हूँ। इतना सेलेक्ट किया, इफेक्ट पे गया और ये रहा हमारा चेंज पिच, और इससे मैं माइनस में ले जाता हूँ और आप लोग सुन सकते हैं मेरी वॉइस, अब आप पायलट उसकी आवाज को सुन सकते हैं। मैं चुप हो जाता हूँ। तो सुना दोस्तों आपने, इस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से जितना आपको मन करे, जितना आपको सही लगे, अपनी वॉइस को आवाज को बदल सकते हैं। तो उससे पहले आप बदलने से पहले आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपकी वॉइस कैसे हुई है। तो मैंने आपको सीधा बदल के दिखा दी। तो ये थे आज के 3 सैंपल। तो सुनिएगा, ये है वॉइस के पतली आवाज में, ये है वॉइस के भारी आवाज में, और ये बाकी का लास्ट वाला है जो नॉर्मल आवाज है बैकग्राउंड वॉइस को हटाने के बाद। दोस्तों अभी मैं वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में फैन भी चल रहा है, आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं। मैं चुप हो जाता हूँ। ये बिना बैकग्राउंड वॉइस के दोस्तों, ये थी आज की एग्जाम्पल की ऑडियो क्लिप। तो दोस्तों आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आज आपने सीखा कि किस तरीके से बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करते हैं और वॉइस को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।